हे गाइस, वेलकम टू ड्रॉय ट्रक्स यूट्यूब चैनल। फिर से और एक अमेजिंग वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको टॉप 4 जबरदस्त मियो थीम्स के बारे में बताऊंगा, जो शायद आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। ये सभी मियो थीम्स को आपकी रेडमी फोन में या फिर पोको फोन में अप्लाई करने के बाद प्रो फोन का UI रिफ्रेश होने वाला है। ऐसा लगेगा आप एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। सो कुछ खास और बेस्ट मियो थीम्स को ट्राई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही मियो थीम्स के बारे में बात की जाती है इस चैनल पे। बिना देखिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 3D स्टाइल क्लॉक प्लस यूनिवर्स प्लांट। तो यहाँ पे मैंने दो थीम मिक्स करके एक अलग से थीम रेडी किया है आप सभी के लिए। यहाँ पे सबसे पहले देखा था लॉक स्क्रीन, गाइस बहुत ही ऑसम आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन का इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखा था होम स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने अलग से वॉलपेपर चेंज किया है और ये वॉलपेपर का लिंक भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आइकन पैक्स भी देख सकते हैं, कितना अच्छा आइकन पैक्स आपको देखने को मिलेगा। आइकन पैक के साथ वॉलपेपर अच्छे से मैच हुआ है। इस थीम की कंट्रोल सेंटर एंड सेटिंग्स के लिए यहाँ पे मैंने अलग से थीम इंस्टॉल किया है, जिसका नाम है यूनिवर्स प्लांट। यूनिवर्स प्लांट थीम का जो सिस्टम है वो मैंने टिक किया और अप्लाई किया है। आप सेम अप्लाई करना जैसे मैंने किया है। यहाँ पे आपको इस थीम का कंट्रोल सेंटर दिखाता हूँ, देख सकते हैं आपको अलग से वॉल पर देखने को मिलेगा बैकग्राउंड में कंट्रोल सेंटर के ऊपर, एंड बहुत अच्छा लग रहा है इस थीम का कंट्रोल सेंटर। अगर मैं दिखाऊँ इस थीम का सेटिंग्स, वो भी पूरा चेंज हो चुका है। सेटिंग्स बहुत ही अच्छा लगता है, बैकग्राउंड में अलग से वॉल पर देखने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल से एक जबरदस्त मियो थीम है जो आपको ट्राई करना चाहिए, और इस सिम के साथ बाकी सिम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नंबर 2, मैट्रिक्स स्पेस। ये भी एक अमेजिंग मियो थीम है। इस सिम की लॉक स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस, कितना कमाल का डायनामिक इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यार, आपको शायद पसंद आ रहा होगा। चलिए दिखाता हूँ इस थीम को होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे वॉल पर चेंज किया है, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। एंड आइकन पैक्स के लिए यहाँ पे मैंने मॉन्स्टर जो थीम है इसका आइकन्स को सिलेक्ट करके अप्लाई किया है। इस थीम के भी आपको लिंक मिल जाएगा, जो कितना अच्छे से मॉडिफाई हो चुका है। आइकन पैक्स तो बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त आइकन है, तो यूनिक डिज़ाइन के आपको आइकन्स देखने को मिल जाएंगे इस वाले थीम में। कंट्रोल सेंटर के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में मेन थीम का जो वॉल पर है वो देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर के ऊपर। यहाँ पर टॉगल्स का डिज़ाइन आपको सिंपल सा ही देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग भी पूरा चेंज हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको मेन थीम का वॉल पर बैकग्राउंड में देखने को मिलेगा। अलग अलग सेटिंग्स को ऑप्शन भी ओपन कर दिखाता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे अबाउट फोन ओपन करा है, देख सकते हैं आपको ऐसा कुछ डिजाइन देखने को मिल जाएगा। इस थीम के जो डायलर पैड है वो इतना कुछ खास नहीं है, सिंपल से डायलर पैड है जो मैंने आपको नहीं दिखाया है। ओवरऑल बात करें गाइस, ये थीम भी एक बहुत ज्यादा कमाल का थीम है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए, एक बार तो जरूर ट्राई करना। और ऐसे ही और भी बेस्ट मियो थीम्स का वीडियो आने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नंबर 3, मिनिमलिस्टिक DR। ये भी एक जबरदस्त मियो थीम है। इस थीम की आपको लॉक स्क्रीन पे आपको RGB लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आप डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर वॉलपेपर भी चेंज होता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है यार। होम स्क्रीन पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिनिमलिस्टिक लुक देखने को मिलेगा, आपको एक DR का वॉलपेपर देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ आप देख सकते हैं। आइकन्स भी बहुत ही प्यारे आइकन्स है, छोटे छोटे साइज के आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे। कंट्रोल सेंटर का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर भी आपको ट्रांसपेरेंट कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मेन थीम का वॉल पर है वो आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलता है। टॉगल्स भी आपको सिंपल से ही देखने को मिलेगा। मियो 13 रन कर रहा है मेरे फोन में, ऐसा आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। तो सेटिंग्स भी वो भी अच्छे से मॉडिफाई हुआ है, बैकग्राउंड में आपको वही मेन थीम का वॉल पर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा अलग ही लुक देखने को मिलता है सेटिंग्स के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो सेटिंग भी मुझे काफी अच्छा लगा। और एक बात बोलना भूल गया कि इस थीम में आपको चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिलता है, ऐसा कुछ देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है चार्जिंग एनिमेशन। अगर आपको एक मिनिमलिस्टिक लुक चाहिए आपके रेडमी फोन में तो ये थीम एक बहुत ही प्यारा थीम हो सकता है। स्पेशली इस थीम का जो लॉक स्क्रीन का डिजाइन है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। नंबर 4 और इस लिस्ट का लास्ट MIUI थीम का नाम है कूल स्पोर्ट्स कार। ये भी एक यूनिक MIUI थीम है। इस थीम के होम स्क्रीन पर आपको जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स कार का वॉलपेपर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वॉलपेपर अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कुछ वॉलपेपर्स का लिंक भी दे दिया है जो आप ट्राई कर सकते हैं इन सभी वॉलपेपर्स को। और यहाँ पे होम स्क्रीन और आइकन्स भी देख सकते हैं, कितना ज्यादा यूनिक सा लग रहा है। अगर मैं कंट्रोल सेंटर दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, और बैकग्राउंड में वही मेन थीम का वॉलपेपर है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो सेटिंग इतना अच्छे से चेंज नहीं हुआ है, इस थीम में आपको सिंपल सा ही सेटिंग देखने को मिलेगा। चलिए दिखाता हूँ इस थीम का लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन में आपको जबरदस्त लाइव वॉलपेपर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी लगता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक स्पोर्ट्स कार है। और किसी को अगर फर्स्ट टाइम दिखाएंगे वो आपको जरूर क्वेश्चन करेगा आपका फोन में कौन सा थीम यूज कर रहे हो। सही में अगर आपको स्पोर्ट्स कार बहुत अच्छे लगते हैं और अगर आपको ऐसा सेम थीम भी ट्राई करना है तो ये थीम आप जरूर ट्राई करना आपके पोको फोन में या फिर रेडमी फोन में।
में। आई होप ये वाला थीम भी आपको अच्छा लगा है। सो गाइस, यही थे कुछ टॉप 4 बेस्ट मी यूआई थीम्स जो मैंने आप सभी को रिव्यू करके बता दिया है। आई होप ये सभी थीम्स आप यूज करेंगे आपके रेडमी फोन में या फिर पोको फोन में, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा फैमिली यानी कि ड्रॉय ड्रॉक्स चैनल थोड़ा सा बड़ा बन पाए। प्लीज सपोर्ट करना गाइस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।